Okay, after problem of scheduling, we have another topic, agile plan. जैसे हमने प्लान ड्रिवन में डिस्कस किया कि प्लान ड्रिवन में क्या होता है, प्लान बनता है पूरे प्रोजेक्ट का, फेज वाइज प्लानिंग होती है, ठीक है। अजेल में क्या होता है, अजेल हमने डिस्कस किया हुआ है और अजेल की प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की है, अजेल के मॉडल्स भी हमने एक दो डिस्कस किए हैं। अजेल में क्या होता है, प्रोजेक्ट एज अ होल डिलीवर नहीं होता, प्रोजेक्ट डिलीवर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, इंक्रीमेंट्स में, आइट्रेशंस में, स्प्रिंट्स में एक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होती है, ठीक है। सो द एजाइल इज अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आइटरेटिव अप्रोच वेयर सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इनटू द कस्टमर एंड इंक्रीमेंट्स। सॉफ्टवेयर डेवलप भी होता है और डिलीवर भी होता है इंक्रीमेंट्स में। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके की जब हम अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम प्लानिंग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट वाइज प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट वाइज प्लानिंग नहीं करते। इंक्रीमेंट वन की प्लानिंग अलग होगी, इंक्रीमेंट टू की प्लानिंग अलग होगी, इंक्रीमेंट थ्री की प्लानिंग अलग होगी। सो द पॉइंट इज, इन एजाइल प्लानिंग वी आर प्लानिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इन इंक्रीमेंट्स, वी आर प्लानिंग इंक्रीमेंट वाइज, ओके। और हर इंक्रीमेंट में नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ बजट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। Unlike plan driven approach, the functionality of these increments is not planned in advance but is decided during the development time. Unlike plan driven approach, ये plan driven approach की तरह नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कौन कौन से फंक्शंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे। डिसीजन ऑन वॉट इंक्लूड एन इंक्रीमेंट डिपेंड्स अपन प्रोग्रेस एंड कस्टमर प्रायोरिटी। जब एक स्प्रिंट डिलीवर होता है उससे जो फीडबैक मिलता है उसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कौन से फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर प्रायोरिटी। द कस्टमर प्रायोरिटीज एंड रिक्वायरमेंट चेंज, सो इट मेक्स सेंस टू हैव अ फ्लेक्सिबल प्लान दैट कैन अकोमोडेट दीज चेंजेस, ठीक है। एक इंक्रीमेंट डिलीवर होता है, उस इंक्रीमेंट का फीडबैक कस्टमर से आता है और उस कस्टमर की प्रायोरिटीज को देखते हुए हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्लान करते हैं कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। सो द प्लानिंग टेक्स प्लेस ऑन इंक्रीमेंट वाइज प्लानिंग, हर इंक्रीमेंट के बाद दूसरे इंक्रीमेंट की प्लानिंग होती है जो कि प्रीवियस इंक्रीमेंट में से कस्टमर के फीडबैक पे 100% डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीमेंट वन हमने डिलीवर किया लॉगिन मॉड्यूल और रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद कस्टमर ने कहा कि मुझे लॉगिन मॉड्यूल में ये चेंजेस चाहिए, ठीक है, और मुझे लॉगिन मॉड्यूल में कुछ और फीचर्स भी चाहिए और उसके अलावा मुझे फ़ौरन बाद जो मॉड्यूल चाहिए सॉर्टिंग चाहिए। तो कस्टमर की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो प्लान करेंगे वो हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो एजाइल की प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इंक्रीमेंट वाइज होती है, ठीक है। सो एजाइल प्लानिंग स्टेजेस क्या होती, स्टेजेस कौन सी होती हैं, सबसे पहले रिलीजिंग प्लानिंग which looks ahead for several months and decide on the features what should be implemented in the release of it. Release planning में यह होता है कि system को release करने से पहले कितने features उसमें होने चाहिए, पहले तो ये planning होती है जो कि 2-3 महीने उसमें decide करने में लग जाते हैं कि total number of features system में कितने होंगे जब पूरा system release होगा। और दूसरी होती है iteration planning which has a shorter term outlook and focuses on planning of next increment system. This is typically 2-4 weeks. ये planning होती है हर sprint के बाद, जैसे हमने scrum discuss किया था तो हर sprint के बाद sprint planning meeting हो रही थी, तो basically वो iteration planning ही थी जिसमें हम next iteration में next increment में क्या होगा, ठीक है। तो चीज़ें वही होंगी, number of persons कितने लगेंगे, budget कितना लगेगा एक increment में, पर यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं होगी, हर एक इंक्रीमेंट की प्लानिंग अलग से होगी, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है रिलीज प्लानिंग के टोटल नंबर ऑफ फीचर्स कितने होंगे एक प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट रिलीज होगी, दूसरी होती है आइटरेशन प्लानिंग के स्प्रिंट वन में कितने फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे, स्प्रिंट टू में कौन कौन से फीचर्स और कितने फीचर्स होंगे, स्प्रिंट थ्री में कौन से फीचर्स होंगे, तो एक जनरल लेवल पे होती है रिलीज प्लानिंग और दूसरे छोटी प्लानिंग होती है जो कि हर आइटरेशन के बाद होती है, हर स्प्रिंट के बाद होती है, यानी कि हर 2-4 वीक्स के बाद होती है, क्योंकि हमने स्क्रम में देखा था कि हर स्प्रिंट का टाइम ड्यूरेशन 2-4 वीक्स था, यानी कि 2-4 वीक्स के बाद हमने एक इंक्रीमेंट डिलीवर
करना है, तो हर 2 से 4 वीक्स के बाद इंक्रीमेंट डिलीवर होगा, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन प्लानिंग होगी। नेक्स्ट आइटरेशन प्लानिंग में नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कौन कौन से फीचर्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एजाइल प्लानिंग में 2 स्टेजेस होते हैं, एक रिलीज प्लानिंग और आइटरेशन प्लानिंग। रिलीज प्लानिंग इज जनरल प्लानिंग जो कि ये देखी जाएगी कि जब सिस्टम को हमने रिलीज़ करना है तो रिलीज़ करने से पहले कितने फीचर्स हमने टोटल उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं, यानी कि प्रोडक्ट बैकलॉग जो हम बना रहे हैं उसमें कितने फीचर्स हैं जो कि टोटल हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर आइटरेशन प्लानिंग में उस प्रोडक्ट बैकलॉग में से हम 4-5 फीचर्स हर इंक्रीमेंट में कस्टमर को बना के देते जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द एजाइल प्लानिंग। एजाइल प्लानिंग टोटली डिफरेंट होती है प्लान ड्रिवन प्लानिंग से। प्लान ड्रिवन प्लानिंग में हम पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, हालांकि एजाइल प्लानिंग में क्या होता है इंक्रीमेंट वाइज अलग प्लानिंग होती है और रिलीज प्लानिंग एक अलग प्लानिंग होती है। ठीक है।